हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कम्युनिकेशन इन एनिमल एनिमल में कम्युनिकेशन कैसे होता है द फर्स्ट इंट्रोडक्शन एनिमल कम्युनिकेशन इज अ पासज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इन एनिमल्स एनिमल कम्युनिकेशन क्या होता है तो एक तरह का इन्फॉर्मेशन को पास करने का जैसे होता है ना कि दो एनिमल के बीच अगर अपने बात को अगर पहुंचाना हो तो एक तरह का होता है ना इन्फॉर्मेशन चाहे वो बात करके बताओ या बोल के बताओ या तो फिर क्या होता है ना कि इशारा करके बताओ तो वो क्या होता है एक तरह का कम्युनिकेशन होता है तो एनिमल कम्युनिकेशन जो होता है एक तरह का इन्फॉर्मेशन को पास करने का एक तरीका होता है दो एनिमल्स के बीच द एनिमल विच सेंड सिग्नल इज कॉल्ड सिग्नलर जो होता है ना जो एनिमल जो एनिमल क्या करता है सेंड करता है अपना बात को बताता है उसको सिग्नलर कहा जाता है एंड द एनिमल दैट रिसीव सिग्नल इज कॉल्ड रिसीवर और जो उस बात को सुनता है या फिर उसको जो समझता है उसको क्या कहते हैं रिसीवर कहा जाता है एनिमल कम्युनिकेशन इज एल्सो नॉन एज बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन एनिमल कम्युनिकेशन को बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है द क्लासिकल इथोलॉजिकल व्यू ऑफ कम्युनिकेशन फर्ज डेवलप्ड बाई नीको टिन जो क्लासिकल इथोलॉजी जो है एक तरह होता है ना कि एनिमल बिहेवियर को जो पढ़ा जाता है उसको इथोलॉजी कहा जाता है द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज डॉन इच इथोलॉजी और इसको क्या होता है जो क्लासिकल इथोलॉजी के व्यू से कम्युनिकेशन को अगर कोई बताया गया डेवलप किया गया जिसके द्वारा तो उसको निको टिन वो साइंटिस्ट का नाम है और दो है लेकिन बस आप एक ही नाम याद रखें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एनिमल एनिमल में कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है एनिमल कम्युनिकेट यूजिंग सिग्नल विच कैन इंक्लूड एनिमल जो होते हैं ये अपना बात पहुँचाने का जो पहुँचाते हैं जो है एक तरह का सिग्नल का यूज करके करते हैं किस तरह का सिग्नल वो चार तरह का होता है जैसे केमिकल कम्युनिकेशन सेकेंड ऑडियो कम्युनिकेशन थर्ड विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोर्थ टेक्टाइल कम्युनिकेशन फर्स्ट केमिकल कम्युनिकेशन ये जो केमिकल कम्युनिकेशन में फेरोमोन्स आता है नॉर्मली ये क्या होता है ये आपका शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है डायरेक्टली फेरोमोन्स अब बाकी जो है ये सब का बस आपको जानना है होता है क्या है और उसका एक एग्जाम्पल तो फर्स्ट केमिकल कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल यूज फॉर केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल आर कॉल्ड फेरोमोन क्या होता है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है दो इंडिविजुअल को कोई चीज़ बताने के लिए मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है उस मॉलिक्यूल्स को फेरोमोन कहा जाता है फेरोमोन एक तरह का केमिकल होता है फेरोमोन्स आर इन्वॉल्व इन मेट आइडेंटिफिकेशन मार्किंग टेरिटरी अलार्म स्प्रेडिंग इटीसी जो फेरोमोन क्या होता है तो किस में इन्वॉल्व होता है एक तरह का मैटिंग करने में होता है ना मैटिंग करने का वो बताता है फिर किसी जगह को जैसे एनिमल होता है ना अपना जगह को वो पहचान कराता है या फिर दावा करता है कि नहीं ये जगह मेरा है एक तरह का केमिकल का सिक्रेशन करके और फिर होता है अलार्म स्प्रेडिंग करने में भी ये हेल्प करता है फेरोमोन्स केमिकल कम्युनिकेशन इज अ मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है बहुत ही पुराना तरीका है कम्युनिकेशन करने का फेरोमोन्स फेरोमोन्स यहाँ पे अलग से लिखना है क्योंकि एग्जाम में ये फेरोमोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फेरोमोन्स क्या होता है तो फेरोमोन्स रिसेप्शन इज अकॉम्प्लिशड बाय स्मेल और टेस्ट ऑर्गन फेरोमोन्स जो होता है वो एक तरह का क्या बोलते हैं अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने का इसमें सबसे ज्यादा अगर इन्वॉल्व अगर होता है तो एक तरह का स्मेल होता है और टेस्ट होता है दो ही ऑर्गन इसमें हेल्प करते हैं स्मेल और टेस्ट ऑर्गन दिज रिसेप्टर कंटेंट सेल्स विथ फाइन सीलिया और माइक्रोविलिया दैट एक्सटेंड इंटू द मीडियम इस जो फेराम जो होता है इसमें दो तरह का रिसेप्टर पाया जाता है एक सेंसरी सेल्स जिसमें क्या होता है सेंसरी सेल्स में क्या होता है बहुत ही अच्छे तरह से सीलिया सीलिया और माइक्रोविलाई मौजूद होता है जो मीडियम के वहां पर एक तरह का फैला हुआ रहता है फेरोमोन मॉलिक्यूल एंड अदर स्टेमले टेम्परली बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन द सीलिया और माइक्रोविलाई फेरोमोन जो मालिक्यूल होता है और अदर स्टेमले जो मतलब उत्तेजित करता है वो सब क्या कहता है तो? वो बाइंड कर जाता है स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ सीलिया और माइक्रोविलाई पर द बाइंडिंग ट्रिगर ए कैसकेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन द सेंसरी सेल दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फॉलोइंग इन टू द ब्रेन क्या करता है कि कैसकेट जो होता है केमिकल रिएक्शन का एक बाइंडिंग ट्रिगर करता है जिसके चलते क्या होता है तो ब्रेन में बहने वाला नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करता है जो ब्रेन में जो नर्व जो बहता है ना वो एक तरह का इम्पल्स को प्रोडक्शन करता है द मोर मोलिकल दट बाइंड टू ए सेल द हाइयर रेट ऑफ नर्व फिक्सिंग क्या जितना ज्यादा मोलिकुल बाइंड करेगा सेल्स के साथ उतना ही ज्यादा हायर रेट में नर्व क्या करेगा फिक्सिंग होगा सेंसरी सेल्स इन एन अल्फेक्ट्री ऑर्गन कैन हैव हाईली स्पेसिफिक और जनरलाइज सेंसिटिविटीज जो सेंसरी सेल्स जो अलफेक्ट्री ऑर्गन का होता है अलफेक्ट्री ऑर्गन मतलब ब्रेन का जो सेंसरी सेल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक मतलब बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है फेरोम्स का कम्युनिकेश फेरोन कम्युनिकेशन के लिए अलफेक्ट्री ऑर्गन जो होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होता है स्पेसिफिक सेल टू केवल एक ही, निश्चित के लिए ही वो रिएक्शन करता है मतलब उसका काम ही है बस एक, मतलब एक ही काम उसका करने का होता है एक ही रिएक्शन करने का उसका काम होता है स्पेसिफिक सेल्स का एनिमल ऑप्टन यूज सच सेल टू डिटेक्ट स्पेसिस स्पेसिफिक मेटिंग फेरोमोन क्या होता है कि जानवर जो होता है जितना भी एनिमल्स जो होते हैं अक्सर ऐसा सेल का उपयोग क्या करते हैं

एलार्म फेराम का यूज किया जाता है चीटी में किस लिए एक तरह का वो फॉर्मिक एसिड का मतलब सिक्रेशन करती है ताकि वो खुद को एनिमीज अपने दुश्मन से वो खुद बचा सके उसके बाद है ऑडियो कम्युनिकेशन ऑडियो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन साउंड इज वाइडली यूज इन द एनिमल किंगडम ऑडियो कम्युनिकेशन एक तरह का साउंड का प्रयोग करके अपना बात दूसरे तक पहुँचाना है और ये एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये कम्युनिकेशन है ऑडिटरी कम्युनिकेशन इज पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट इन बर्ड्स हु यूज साउंड टू कन्वे वार्निंग अट्रैक्ट मेट डिफ्रेंट टेरेटरीज एंड कोऑर्डिनेट ग्रुप बिहेवियर ये क्या होता है एक तरह का जो ऑडियो कम्युनिकेशन जो होता है वो बर्ड्स में विशेष तरह से इंपॉर्टेंट होता है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो क्या करता है चेतावनी देने के लिए साउंड का उपयोग करता है अपने मतलब अपने जो जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उन लोग को आकर्षित करता है फिर और एक होता है ना अपना जगह को ये प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करता है एक तरह का साउंड कम्युनिकेशन का यूज करके एग्जाम्पल में इसका दो आप चाहे तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं और दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं पहला मंकी क्राई आउट ए वार्निंग हैन ए प्रीडेटर इज नियर गिविंग द अदर मैम ट्रूव ए चांस टू स्केप क्या था तो, मंकी जो होता है एक तरह का रोने का एक्टिंग करता है क्यों ताकि जब उसको प्रीडेटर जब वो सामने मतलब शिकारी जब मंकी के सामने दिखता है तो मंकी रोने का एक्टिंग करता है ताकि अदर जो मेम्बर जो है वो भागने में वो मतलब सफल हो सकें वाटर लाइक एयर वाटर लाइक एयर कैन कैरी साउंड वेवस एंड मेरिन एनिमल्स एल्सो यूज साउंड टू कम्युनिकेट वाटर हो गया एयर जो गए वो तो क्या कहते हैं एक तरह का साउंड को कैरी करता है और उसका यूज क्या होता है तो कम्युनिकेट के लिए वो यूज़ करता है डॉल्फिन फॉर इंस्टेंस प्रोड्यूस वेरियस नॉइसेस इंक्लूडिंग विस्टल क्रिप एंड क्लिक जो पानी में रहने वाली जो डॉल्फिन होती है वो क्या कहती है वह बहुत तरह का वेव का यूज करती है नॉइस का यूज करती है ताकि वो खुद को बचा सके जैसे इंक्लूडो विस्टल्स नॉइस हो गया क्रिप हो गया क्लिक हो गया करके 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 वो एक तरह का मतलब पैटर्न यूज करके, पैटर्न यूज करके खुद को बचाती है। उसके बाद है वीजुल कौम्निकेशन। वीजुल कौम्निकेशन सीन। जो विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है एक ऐसा संकेत शामिल होता है जिन्हें देखा जा सकता है इन संकेतों के उदाहरण में क्या होता है हाव भाव चेहरे का भाव बॉडी का मतलब मूवमेंट ये सब रंग या फिर ये सब शामिल है कलरेशन का मतलब होता है कलर गेस्टर एंड पोस्टर आर वाइडली यूज फॉर विजुअल सिग्नल फॉर इंस्टेंस चिंपाजी कम्युनिकेट ए थ्रेट बाय राइजिंग देयर आर्म्स स्लैपिंग द ग्राउंड और स्टार्टिंग डायरेक्टली एट अनदर चिम्पाजी क्या होता है कि एक तरह का होता है ना हाव भाव या फिर अपना बॉडी का मूवमेंट इस तरह का दृश्य दिखा के उप मतलब तो संकेत कम्युनिकेशन का उपयोग किया जा सकता है जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो चिंपांजी जो होता है अपने बाहू अपने आम को ऊपर उठाकर जमीन पर थप्पड़ मारकर किसी अन्य चिंपांजी को सीधे घूर कर खतरे की सूचना देते हैं इस सारों और आसान आमतौर क्या होता है मेटिंग ये मेटिंग के उपयोग किए जाते हैं और अन्य संकेत को भी वो प्रदर्शित करते हैं या फिर शो करते हैं जैसे उज्ज्वल रंग प्रदर्शन जो होता है उसके बाद एक टैक्टाइल कम्युनिकेशन टैक्टाइल कम्युनिकेशन और सिग्नल आर मोर लिमिटेड इन रेंज देन द दे अदर टाइप्स ऑफ सिग्नल एज टू ऑर्गनिज्म मस्ट बी राइट नेक्स्ट टू तो ईच अदर टू टच टैक्टाइल कम्युनिकेशन जो होता है एक दूसरे तरह का कम्युनिकेशन की तुलना में सीमा में अधिक सीमित होता है क्योंकि स्पर्श करने के लिए दो ऑर्गनिज्म को एक दूसरे के ठीक बगल में होना चाहिए फिर भी ये क्या कहता है फिर भी ये कम्युनिकेट कई प्रजाति कई स्पीसीज के मतलब होता है ना कम्युनिकेशन को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है टेक्टल टेक्टाइल कम्युनिकेशन को भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है एनिमल कम्युनिकेशन में टेक्टाइल सिग्नल आर फेयरली कॉमन सॉरी टेक्टाइल सिग्नल आर फेयरली कॉमन इन इंसेक्ट फॉर इंस्टेंस ए हनी बी फ्रेजर दैट फाउंड ए फूड सोर्स विल परफॉर्म एंस्ट इंस्टीट्यूट सीरीज ऑफ मोशन कॉल ए वेगल डांस टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फूड क्या ट्रकर होता है एक तरह का टेक्टाइल सिग्नल टेक्टाइल होता है वो इंसेक्ट में ज्यादा देखने को मिलता है अगर एग्जाम्पल के लिए देखने जाए तो एक जो हनी भी जो होती है जिसे भोजन का स्रोत मिल जाता है तो वो भोजन के स्थान को एक होता है ना कि अंगित करने के लिए उसके वेगल नृत्य नामक मतलब जो होता है ना मूवमेंट का एक जटिल एक कॉम्प्लेक्स होता है ना सीरीज का प्रदर्शन या फिर शो करता है ताकि क्या कहते हैं एक जो मतलब होता है ना वो ज्यादातर अंदर अंधेरे में ही किया जाता है और दूसरे दूसरे मतलब मधुमक्खी मतलब मतलब को बताने के लिए या फिर इंडिकेट करने के लिए कि हाँ यहाँ पे फूड का सोर्स है सिंस दिस डांस इज डन इन डार्कनेस इन साइड द नेस्ट द अदर बीज इंटरेप्ट इन लार्जली थ्रो टच क्या होता है कि एक तरह से इसमें क्या होता है कि ताकि वो क्या कहते हैं ये ज़्यादातर अंधेरे में करते हैं ताकि वो अदर जो बीज हैं अदर हनी बीज जो हैं वो ताकि वो इंटरेप्ट हो सके उसके टच के द्वारा